मैं पहले बार छत्तीसगढ़ में आया हूँ, तो अजहरखंड में आया और उसका वातावरण मेरे मन में स्टडी करने का बहुत माने इंटरेस्ट है। तो फिर भी यहाँ हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है, हमारा पॉलिटिक्स बीजेपी का पॉलिटिक्स तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है और हमारा फिलोसॉफी आप सबने मालूम होगा अप टू द लास्ट माइल ऑल द बेनिफिट्स वो भारत सरकार ने फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का माने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से हमने डेवलपमेंट को पार्टनरशिप के माध्यम से काम किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 से अभी तक मैनी सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत फंड स्टेट को रिलीज कर रहा है। वहाँ में डिफरेंट इश्यूज में पानी की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, रोड नेटवर्क की हो और सबका कॉमन पीपल का क्या क्या जरूरत है, क्या कमी है, उसको इक्वल स्टेटस में लाने के लिए कोई प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। उसी के माध्यम से हमको छत्तीसगढ़ में माने झारखंड में पर्टिकुलरली सिंहभूम में मेरा दायित्व है वो क्या काम कंप्लीट हुआ है, वो लास्ट माइल को माने प्रजा को पीपल्स को नागरिक को हमारा सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी से क्या क्या सुविधा मिला है, हाउसिंग के लिए कितना हाउसिंग मिला है और हर घर जल के लिए कितना पानी दे रहा है और हेल्थ सेक्टर में कैसा है, कोविड के समय में हमारा ऑक्सीजन प्लांट कैसा है, वो फ्री पीडीएस आइटम दिया है, वो सब हमारा प्रजा को और नागरिक को मिला है और नहीं थे उसको दिल से देखने के लिए हम इसकी यात्रा कर रहा है। और फिर भी क्या हुआ मेरा डिफिकल्टीज तो ऐसा ही है, कल तक मैं मणिपुर में था और उसी में दिशा का मीटिंग चल रहा था, हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट तो मेरा ये अंदर में है तो 2 डिस्ट्रिक्ट मैं कल तक दिशा का मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का काम माने मीटिंग हो रहा है, उसके बाद शाम की फ्लाइट से यहाँ आता है, इसलिए तो अंधेरा में यहाँ आता है, क्या क्या है तो मैं देखने के लिए सुविधा तो थोड़ा कम है। फिर भी आपका यहाँ में रांची में मैं सिंहभूम तो नहीं गया, तो रांची के डीसी ऑफिस में क्या क्या चल रहा है रांची डिस्ट्रिक्ट पे और सिंहभूम में, सिंहभूम के लिए कल हार्सवेल से दिल्ली से मैं सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हार्सवेल से मीटिंग होगा और क्या एस्टिमेट होगा तो मैं मालूम करेगा और मेरा क्वेश्चन भी प्रश्न भी पूछेगा वो लोग को और ऐसा करने के लिए आया था। फिर भी यहाँ में एजुकेशन सेक्टर में आज सुबह मेरे को बताया तो क्लास 1 से 6 तक स्कूल से ड्रॉप आउट का स्टूडेंट ज़्यादा है, उसके कारण क्या है वो तो हम मालूम पर करना चाहिए, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पूछा उसका अलग अलग लड़की का क्या कितना, लड़का का कितना और लड़की का क्या समस्या है स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए और लड़का के कोई कारण है तो फाइंड आउट करेगा, उसके बाद हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माने प्रिंसिपल बहुत है ड्रॉप आउट को फिर लेने का और वर्क कंडीशन डिफरेंट वर्क कंडीशन में एजुकेशन को सबको देने के लिए हमारे सब स्टैंडर्ड को सब सुविधा को एक साथ में
लोकतंत्र को देने के लिए हम एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बनाया। और फिर हमारा प्रिंसिपल आप सब लोगों ने मालूम होगा, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, एंड लास्ट वन इज सबका प्रयास। और सब ऑल दीज अचीवमेंट शुड बी परफॉर्म कम्प्लीटली 100% अचीवमेंट होने तो सबका प्रयास चाहिए। इसलिए मैं बीजेपी के सब फैमिली के साथ हम ठीक से काम कर रहा है, और सब पब्लिक को भी मैंने ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए। मोदी जी के सरकार प्रजा के लिए है, और सब सुविधा तो लास्ट माइल तक पहुंचने का हम बराबर लड़ाई कर रहे हैं, उसको एक्सिप्ट करने के लिए आप सब लोग का समर्थन चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।